नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई चार का टॉपिक जो है हमारा वह है गुप्त कला और स्थापत्य कला, जिसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से ये चर्चा करेंगे कि गुप्त काल के दौरान कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ और विशेष रूप से स्थापत्य कला में क्या उन्नति हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा कर देंगे। इसके साथ साथ ये है, ये भी है कि गुप्त काल में, जिसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, विशेष रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इस कला और कला में जो है कला साहित्य आदि में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिसके कारण जो है इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को इसी कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे नाट्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, आदि विभिन्न कलाओं की अभूतपूर्व जो प्रगति हुई, और इसी प्रगति के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई, उसे स्वर्ण युग कहा गया। क्योंकि इस काल के दौरान जो शासक वर्ग था, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो या अन्य कोई शासक, तो इन्होंने जो है, शासक वर्ग ने इन कलाओं के विकास में विशेष योगदान दिया, जिसके कारण इन कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ, और इसी विकास के कारण जो है इसे स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल के दौरान दर्शन का भी विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ गुप्त काल में ही लिखे गए। इसके साथ साथ मंदिर निर्माण कला का जो है प्रारंभ, मंदिरों का निर्माण, पहले मूर्तियां जो है यूं ही बनाई जाती थी, लेकिन उनके लिए मंदिरों की स्थापना नहीं की जाती थी, मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता था, लेकिन गुप्त काल के आते आते जो है मंदिर निर्माण कला का भी प्रारंभ हुआ। तो इन सब कारणों से जो है गुप्त कला, गुप्त काल में इन कलाओं का, चाहे वो साहित्य कला हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो ललित कलाएं हो, जिसमें चित्र, संगीत, नाट्य, नृत्य आदि, तो इन सारी कलाओं का जो है खूब विकास हुआ, और इसी विकास के कारण इनको जो है स्वर्ण युग कहा जाता था। तो गुप्त काल में जैसे संगीत का उदाहरण करें, कि संगीत कला का, तो संगीत से संबंधित जो है कालिदास के रघुवंश और मालविकाग्निमित्र, इन नाटकों से जो है संगीत का उल्लेख मिलता है, संगीत का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये संगीत थे। इसके साथ साथ जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे जो है उनमें विशेष रूप से ज़्यादातर ग्रंथों में तो संगीत की का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो अभिलेखीय साक्ष्य है, जो अभिलेख रचे गए, और इसके साथ साथ जो सिक्के हैं, उनसे जो है संगीत के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सिक्कों की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो हो वीणा वादक सिक्का जो है, जिस पर वो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। तो इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में संगीत भी एक लोकप्रिय कला थी और अपनी लोकप्रियता को प्राप्त थी, और इसके साथ साथ संगीत कला के में जो है संगीतज्ञ के रूप में एक तंबरू और देव का नाम मिलता है, जो वात्स्यायन की कामसूत्र ग्रंथ है, जिसमें इन दोनों का नाम मिलता है, और इन दोनों को जो है नारद मुनि से भी बढ़कर संगीतज्ञ माना गया, कहा गया। तो इस बात से स्पष्ट है कि गुप्त काल में संगीत कला जो है अत्यंत ही लोकप्रिय थी, और संगीत कला में भी अद्भुतपूर्व वृद्धि हुई या उसका विकास हुआ। इसके साथ अभिनय की कला देखें, तो अभिनय कला में जो है अभिनय के लिए, क्योंकि अभिनय कला में जो है विकास के लिए अभिनय के लिए एक नाट्य क्षेत्र होना चाहिए या प्रेक्षागृह या रंगमंच होना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है अभिनय के लिए इन नाट्यशालाओं का विकास हुआ। इन्हें प्रेक्षागृह कहा जाता था, इन्हें रंगमंच कहा जाता था या रंगशाला कहा जाता था, और पात्रों का जो चयन है नाटक के लिए, जो पात्रों का चयन किया जाता था, कलाकारों का जो चयन किया जाता था, वो गुणों और योग्यता के आधार पर ही किया जाता था। कालिदास की जो नाटक है वह रंगमंचीय है, जिसे जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यानी कि निर्विवाद है, क्योंकि कालिदास ने जो नाटक लिखे उनका
रंगमंच पर जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है, उनको खेला नाट्यशाला के रूप में खेला जा सकता है, तो ये निर्विवाद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाट्य कला का भी गुप्त काल में काफ़ी विकास हुआ। इसके साथ साथ चित्रकला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ, और चित्रकला भी गौरवमय हो चुकी थी, यानी गौरव को प्राप्त कर चुकी थी गुप्त काल तक जो है। और गुप्त काल में जो है कालिदास के, विशेष रूप से कालिदास के जो ग्रंथ है, तो ग्रंथों में चित्रकला से संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे चित्र, चित्रशाला या चित्रफलक या तुलिका, ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो चित्रकला से संबंधित है। और इसके साथ साथ कालिदास के ग्रंथ मेघदूत, और मेघदूत जो है नाटक, उसमें जो है अलका नगरी के राजप्रसादों को ललित कलाओं से या चित्रों से सजाया गया था, ऐसा वर्णन मिलता है उस मेघदूत में। और इसके साथ साथ रघुवंश जो नाटक है उसमें भी ये उल्लेख मिलता है कि जो है अयोध्या के राजप्रसादों की भित्तियों पर जो है उनके चित्र, भित्तियों पर चित्र बनाए गए थे, यानी कि अयोध्या का जो महल था उसकी दीवारों पर चित्र बनाए गए थे, इसका उल्लेख रघुवंश में भी मिलता है। तो इस प्रकार एक तरह से कहें कि चित्रकला का भी काफ़ी विकास हुआ। और इसके साथ साथ जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं, जो गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं हैं, तो यहाँ पर भी जो है अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण किया गया उनकी गुफाओं में, तो जो जिनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। तो इस प्रकार कहें कि चाहे वो चित्रकला हो, चाहे नाट्य कला हो, चाहे वह संगीत कला हो, इसके साथ अलावा नृत्य आदि कलाओं का भी गुप्त काल में खूब विकास हुआ। और इस इन सारी कलाओं के विकास के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। अब इसके कला के जो प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल में, तो कला के प्रमुख केंद्रों में जो है तीन प्रमुख केंद्र माने जाते हैं कला के, वह है एक मथुरा, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा सारनाथ। ये तीन जो है गुप्त काल के समय कला के प्रमुख केंद्र थे, महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब बात करें स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला में भवनों का निर्माण किया गया, राजमहलों का निर्माण किया गया, राजप्रासादों का निर्माण किया गया, और इसके साथ साथ विशेष रूप से गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किया गया। ये भी उल्लेखनीय है विषय कि गुप्त काल से पूर्व देवताओं की मूर्तियों का तो निर्माण किया जाता था, लेकिन उसके लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता था। तो गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है, और इसके अनेक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अनेक मंदिर मिलते हैं जिनको हम विस्तार से आगे देखेंगे कौन कौन से मंदिर प्राप्त होते हैं। तो गुप्त काल में विशेष रूप से इस स्थापत्य कला में जहाँ महलों का निर्माण किया गया, भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन विशेष एक नई बात ये थी कि इस काल में मंदिरों का भी निर्माण किया गया। और जहाँ पहले इस स्थापत्य कला में जो है पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बांस और लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था, तो गुप्त काल में जो है पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा स्थापत्य में, भवनों में, चाहे वो भवन हो चाहे मंदिर हो। तो जो है गुप्त काल में एक नई बात यह भी होती है, एक नई विशेषता स्थापत्य कला की, कि गुप्त काल में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाने लगा। इस प्रकार एक गुप्त काल की स्थापत्य कला की एक विशेषता यह भी कि यह जो है विदेशी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थी, इस पर विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा था। और जो गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने वह नागर शैली के हैं, यहाँ के जो मंदिर बने वह नागर शैली के हैं। ये जो कला है स्थापत्य कला जो है ये जो है नागर शैली की है, क्योंकि शैली तीन प्रकार की थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना। तो जो उत्तर भारत में जो भी मंदिरों का निर्माण किया गया वह नागर शैली में किया गया, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिरों का निर्माण किया गया वह द्रविड़ शैली में किया गया। तो इस प्रकार जो गुप्तकालीन जो मंदिर है उसकी जो स्थापत्य है, कला है, वह नागर शैली के हैं, यानी कि गुप्त काल में जितने मंदिर बने कुछ अपवादों को छोड़कर वो सारे के सारे जो है नागर शैली के हैं। और इसके बारे में कहते हैं डॉक्टर
आर डी बनर्जी कहते हैं कि गुप्त कला जो है वह पुनर्जागरण कला है, यानी कि गुप्त कला को इन्होंने डॉक्टर आर डी बनर्जी ने पुनर्जागरण कला कहा है। और इसमें मूर्तियाँ के लिए जो है मंदिरों का निर्माण भी होने लगा, जहाँ पहले मंदिर नहीं बनते थे, मूर्तियाँ ही बनती थी, लेकिन अब जो है मूर्तियों का भी निर्माण किया जाने लगा। इसके साथ साथ एक नई विशेषता ये भी जुड़ी इस मंदिर निर्माण कला में कि जहाँ पहले मंदिरों की छतें सॉरी स्थापत्य में भवनों की छतें जो है सपाट होती थी, तो अब जो है उनका शिखर बनाए जाने लगे, तो शिखरों का निर्माण भी गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। और शिखर मंदिर का पहला उदाहरण जो है वह देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर माना जाता है। जो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है, देवगढ़ झांसी, तो उसका तो जो दशा अवतार मंदिर है वह इसका शिखर कला का पहला उदाहरण माना जाता है। और दूसरा उदाहरण जो है वह भीतरी गांव का मंदिर है, भीतरी गांव जो है उसका मंदिर दूसरा उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार जो है गुप्त काल में मूर्ति प्रतिष्ठापित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। और इसके साथ साथ एक विशेषता और कि जो गंगा और यमुना है, नदियाँ जो है पवित्र नदियाँ मानी जाती है हमारे देश की, तो इनकी मूर्तियाँ यानी कि गंगा और यमुना की मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में ही प्रारंभ किया गया, यानी गुप्त काल में ही गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनी। तो इस प्रकार अनेक विशेषता है इस स्थापत्य कला की। यहाँ पहले छतें सपाट होती थी, चपटी होती थी, तो गुप्त काल में शिखरों का निर्माण किया जाने लगा, पहली बार मंदिरों का भी निर्माण किया जाने लगा। इसके साथ साथ जो है ये मंदिर नागर शैली के हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है और भी कई विशेषताएं, जैसे गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, तो ऐसी कई विशेषताएं बनती हैं। अब देखते हैं कि इस स्थापत्य कला में क्या क्या बनाई गई। तो स्थापत्य कला में पहला आता है राजप्रासाद, यानी कि जो महल बनाए गए, तो इन महलों के जो अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि इनके खंडहर प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो राजप्रासादों का उल्लेख जो है वह साहित्य में भी प्राप्त होता है। और जैसे फहायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 399 ईस्वी में आया था, तो उसने इस पाटलिपुत्र में बने चंद्रगुप्त के महल के बारे में बताया था। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे इनके जो है अवशेष तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन गुप्तकालीन साहित्य और अभिलेखों में महलों और भवनों की विशालता और भव्यता का अनुमान किया जा सकता है, उल्लेख मिलते हैं इनके। जैसे फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजप्रसाद का एक बड़ा ही सुंदर मनोरम विवरण मिलता है उसके ग्रंथ में, पाकोकी में। और इसके साथ साथ जो है उसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र के जो भवन है बड़े ही सुंदर थे, और ये तमाम महल जो थे, जो महल पाटलिपुत्र में बने हुए थे, यह किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि क्योंकि वह इतने सुंदर है, फायान लिखता है कि वह इतने सुंदर है कि इन और इतने भव्य है, विशाल है, जिन्हें देखकर लगता है कि इनका निर्माण जो है वह मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने किया था। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इस प्रकार हम जो है इसके साथ साथ जैसे भवनों का सुंदर वर्णन जो है वह मंदसौर अभिलेख में भी प्राप्त होता है, तथा शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, यानी कि मिट्टी की गाड़ी, तो जो है उसमें जो है भी उल्लेख मिलता है इन भवनों का, इन राजप्रसादों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो है अवशेष नहीं मिलते हैं, अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उदाहरण मिलते हैं इनके फाहयान द्वारा रचित ग्रंथ में, और इसके अलावा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में, और इसके अलावा मंदसौर का जो अभिलेख है उसमें भी इसके उदाहरण मिलते हैं। तो इस प्रकार दूसरा है उदाहरण मंदिरों का जो स्थापत्य के अंतर्गत निर्मित किए गए। तो मंदिरों में अनेक महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया, और जिनके जो है काफ़ी उदाहरण मिलते हैं हमें, जैसे भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर,
नचना कोठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, लाड़खान का मंदिर, खोह का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इस प्रकार इनके उदाहरण मिलते हैं और इनके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। जैसे भूमरा का जो शिव मंदिर है, ये जो भूमरा है इसका जो शिव मंदिर है, तो भूमरा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके शिव मंदिर में जो है विशेषता क्या है कि इसमें जो है गर्भगृह के चौखट पर गंगा यमुना की आकृतियाँ बनाई गई हैं और इसमें जो है शिव जो है वह रतन जड़ित मुकुट पहने हुए है। शिव की जो मूर्ति है उसमें रतन जड़ित मुकुट बना हुआ है, पहनाया हुआ है और जटाओं के बीच में जो है अर्धचंद्र और ललाट पर त्रिनेत्र है, यानी कि ये जो शिव है ये त्रिनेत्रधारी है। जो उदाहरण मिलते हैं त्रिनेत्रधारी, तो घुमरा का जो शिव मंदिर है वो त्रिनेत्रधारी शिव का मंदिर है जो रतन जड़ित मुकुट पहने हुए हैं और उनकी जटाओं के बीच में जो है अर्धचंद्र यानी आधा चांद भी है। तो ये इनकी विशेषता है इसके भूमरा गांव का शिव मंदिर जो है वहाँ की। इसके अलावा जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है, तो तिगवा के विष्णु मंदिर की क्या विशेषता है कि यह जो है यह जबलपुर यानी कि जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है उसमें है और इसके गर्भगृह के समक्ष जो है 7 फीट लंबा एक मंडप है जो इसका गर्भगृह है। गर्भगृह किसे कहते थे? गर्भगृह उसको कहते थे जहाँ पर जो है मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती थी, उसको गर्भगृह कहा जाता था और ये मंदिर स्थापित की विशेषता थी एक। तो इसके जो गर्भगृह है उसके समक्ष सामने 7 फीट लंबा एक जो है मंडप है, मंडप बनाया गया है और इसकी भी दूसरी विशेषता यह है कि गर्भगृह चौखट पर मकर वाहिनी और मकर वाहिनी गंगा और कूर्मी यानी कूर्मी वाहिनी यमुना की मूर्तियां अंकित की गई है या स्थापित की गई है। तो इसकी तिगवा के विष्णु मंदिर की ये विशेषता। इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है इसका निर्माण लगभग जो है 500 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 500 ईस्वी के आसपास, और यह वर्गाकार मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक वर्गाकार मंदिर है और इस मंदिर में एक प्रदक्षिणा पथ भी मिलता है। प्रदक्षिणा पथ यानी जो बीच में एक घेरा रखा जाता था मंदिर के उसकी फेरी लगाने के लिए, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। तो जो है इसमें एक प्रदक्षिणा पथ भी है और इसके साथ साथ भीतरी और बाहरी दीवारों पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया गया है। तो नचना कुठार का शिव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, सॉरी पार्वती मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीतरी गांव का मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर जो है भीतरी गांव कानपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी विशेषता यह है कि यह ईंटों से निर्मित है। यह जो है ईंटों से निर्मित, यह है मंदिर वह ईंटों से निर्मित है। इसकी विशेष विशेषता यह है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अच्छे ढंग के मेहराब है, मेहराब बनाए गए हैं और जो भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराबों का प्राचीनतम उदाहरण है। यानी जो मेहराब बनाए गए वो भारतीय कला में जो मेहराबों का निर्माण किया जाता था, माना जाता था मेहराब बनाए जाते, तो उनका प्राचीनतम उदाहरण जो है ये भीतरी गांव का मंदिर है। यहाँ पे ही सबसे पहले जो है मेहराबों का निर्माण किया गया मंदिर स्थापत्य में। और इसके अलावा इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वहाँ उस दीवारों में ताख बने हुए हैं और उन ताखों में ताख यानी खांचे बने हुए हैं दीवारों में और उन ताखों में जो है मृण मूर्तियाँ रखी गई है, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ उसमें रखी गई है। तो इसकी भीतरी गांव मंदिर की ये विशेषताएँ कि यहाँ मेहराबों का निर्माण और ये मेहराबों का सबसे प्राचीन उदाहरण है। इसके साथ साथ जो दीवारें हैं उन पर उनमें ताक रखे गए हैं यानी खांचे रखे गए हैं जहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई है। तो ये विशेषताएँ। इसके अलावा जैसे लाड़खान का मंदिर, लाड़खान का मंदिर जो है तो ये एहड़े के पास, एहाड़े जो है स्थान वहाँ के पास है और लाड़खान स्थान पर है। कुमार स्वामी के अनुसार, कुमार स्वामी के अनुसार इनका निर्माण जो है वह 450 ईस्वी के आसपास हुआ था। यानी लाड़खान का मंदिर जो है इसका निर्माण 450 ईस्वी पूर्व ईसा के ईस्वी माना जाता है
450 ईस्वी के आसपास, और गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं इस मंदिर में दृष्टिगोचर होती है। यानी गुप्त काल की जितनी भी विशेषताएं हैं, चाहे वो शिखर हो, चाहे पत्थरों का प्रयोग हो या ईंटों का प्रयोग हो, तो ये सारी जो विशेषताएं थी गुप्त काल की भवन निर्माण की, स्थापत्य कला की, वो सारी विशेषताएं इस लाड़खान के मंदिर में दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई देती है। फिर जो है खोह का मंदिर, जैसे खोह का मंदिर, तो ये खोह का मंदिर जो है यह एक लिंग मुखी, यानी एक मुख लिंगी शिव मंदिर की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, और कुछ गणों की मूर्तियाँ भी रखी हुई है यहाँ पे। ये जो है एक मुख लिंगी है खोह का मंदिर जो है वह, यह है एक लिखमुंग शिव मंदिर। यहाँ पे एक लिखमुंग एक मुख लिंग जो है शिव की मूर्ति स्थापित है, और इसके साथ साथ कुछ गणों की, जो शिव के गण थे, उनकी भी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। और इसके साथ साथ ये जो मूर्तियाँ थी वह वर्तमान में जो प्रयाग का संग्रहालय है वहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं। जो इस मंदिर की मूर्तियाँ थी, जो चाहे वो गणेश की गणों की मूर्तियाँ हो या शिव की मूर्तियाँ हो, इनको जो है प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ जो है झांसी में आता पड़ता है, तो झांसी में जो देवगढ़ स्थान है वहाँ इस दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया है, और गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर है ये। निर्माण कला के, भवन निर्माण कला के देखें, मंदिर निर्माण कला में, तो यह गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर है, और यह एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो जमीन से 5 फीट ऊंचा चबूतरा है उस पर बनाया गया है। और इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनाई गई है, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में। तो एक ऊंचा चबूतरा जो 5 फीट है जमीन से ऊंचा, और उसके चारों दिशाओं में उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और जहाँ इसकी एक और विशेषता ये है कि इसके ऊपर जो है शिखर बनाया गया है, और इसके साथ साथ इसकी प्रमुख विशेषता है, जो शिखर बनाया गया है इसकी प्रमुख विशेषता है, जहाँ बाकी मंदिरों में एक मंडप है, यानी बाकी जो मंदिर थे वहाँ एक मंडप का निर्माण किया गया है, जबकि इस शिव मंदिर में, सॉरी दशावतार मंदिर में जो है वह 4 मंडपों का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर जो है शेष साई विष्णु, यानी शेष सैया पर सोए हुए विष्णु की मूर्ति है, और नर नारायण की तपस्या एवं गजेंद्र मोक्ष, रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्यों का अंकन किया गया है। यानी शेष साई सैया पर सोए हुए विष्णु, इसके अलावा नर नारायण की तपस्या में रत, और गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की, इसके अलावा रामायण और महाभारत और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो है दृश्य का अंकन कहाँ किया गया है, इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। इसके अलावा शिल्प में राम कथा का सर्वप्रथम चित्रण जो है, यानी राम कथा का चित्रण, उनके चित्र संबंधित चित्र जो है वह देवगढ़ व नचना कुठार के मंदिरों में ही मिलता है। यानी राम कथा के चित्रों का उल्लेख या उनका वर्णन या जो चित्र बनाए गए कथा से संबंधित, वह 2 स्थानों पर मिलते हैं, एक तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, और दूसरा जो है नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है उसमें मिलते हैं। देवगढ़ मंदिर में शिव को योगी रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो शिव का जो स्वरूप है, कहीं एक लिख है तो कहीं तो इसका जो स्वरूप है शिव का वह योगी स्वरूप है, तो योगी के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस पर अनेक विशेषताएँ इस देवगढ़ के मंदिर की। इसमें इसके अलावा एरन लेख से ज्ञात होता है कि सम्राट बुद्धगुप्त के समय 485 ईस्वी में भगवान विष्णु के मंदिर के सामने एक ग्रूड शीर्ष से अलंकृत 47 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ बनाया गया था, स्थापित किया गया था। वह स्तंभ आज भी एरन में विद्यमान है। तो ये भी है। इसके अलावा अन्य में देखें तो जैसे कोटा राजस्थान का मुकुंदरा के मंदिर, तेर महाराष्ट्र के मंदिर, गुजरात में गोप मंदिर,
आंध्र प्रदेश का चेजराला मंदिर और रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के मंदिर का लक्ष्मण मंदिर एवं राम जानकी मंदिर आदि इस मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो प्रमुख रूप से तो ये हैं इनके, इसके अलावा ये भी है। और अब बात आती है कि जैसे स्तूप है, स्तूपों का निर्माण भी गुप्त कला में हुआ, स्तूप बनाए गए। जैसे जो है सारनाथ का जो दमयंती स्तूप है उसका निर्माण माना जाता है गुप्त काल में किया गया। इसके अलावा राजगृह में जरासंध की बैठक का उल्लेख मिलता है कि इसका निर्माण यहाँ किया गया। और इसके अलावा सिंध का जो मीरपुर खास है, सिंध वर्तमान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो मीरपुर खास है जिला, तो यहाँ पर जो है स्तूप का निर्माण किया गया वह गुप्त काल में किया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जोलिया, चारसद्दा एवं गंधार के तक्षशिला में भी स्तूपों का निर्माण हुआ, ऐसा उल्लेख साहित्य में मिलता है। इसके अलावा गुहा स्थापत्य यानी गुफाओं का जो निर्माण किया गया, अनेक धर्म से संबंधित जैसे विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का जो निर्माण किया गया, तो गुफा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। और इसमें विशेष रूप से जैसे उदयगिरी में जो है, उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण किया गया, वह गुप्त काल के समय हुआ। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है इन उदयगिरी की 20 गुफाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सनकानीज महाराज थे ने वराह गुफा का निर्माण करवाया था और जिसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है, विशाल वराह अवतार की विशाल मूर्ति जो है बनाई गई है। और गुफा के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना घट लिए उत्कीर्ण है, यानी गुफा का जो प्रवेश द्वार है तो उस प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना को दोनों को जो है मूर्तियां लिए घट लिए यानी कि घड़े लिए हुए उत्कीर्ण की गई मूर्तियां बनाई गई है। और इसके अलावा उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुफा भी कहा जाता है, जो उदयगिरी की गुफा है उनको जो है मिथ्या गुफा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो है मिथ्या गुफा उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुफा भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है अजंता और बाघ की गुफाओं का भी निर्माण गुप्त काल के दौरान ही हुआ, और विशेष रूप से अजंता की चित्रकला तो काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ के चित्र इतने सुंदर है कि आज भी बड़े आकर्षक लगते हैं। बाघ की गुफाओं में भी चित्र मिलते हैं, जो विशेष रूप से अजंता और बाघ की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इनका निर्माण इसी गुप्त काल में ही हुआ था। और इसके अलावा मूर्तिकला के रूप में देखें तो मूर्तिकला का भी विकास काफ़ी हुआ इस समय, और विशेष रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित खूब मूर्तियां बनी, और जिसके जो है मूर्तियां भी प्राप्त होती है और इसके उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। तो मूर्तिकला जो है गुप्त काल की विशेष मथुरा शैली थी, और मथुरा शैली में जो है इन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। और इसके अलावा गुप्तकालीन कला संयत एवं नैतिक है, इसमें नगनता का अभाव है। यहाँ जो गुप्त कला है मूर्ति कला वह संयत है और नैतिक है, जहाँ पूर्व में जो है नग्न मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे खजुराहो की गुफाओं को देखें, अपने बाड़मेर का भी केराडू का मंदिर देख लें, तो जो मंदिर बनाए गए वहाँ पर जो है बिल्कुल नग्न मूर्तियाँ, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे वो पुरुष की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, तो बिल्कुल नग्न मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन जो गुप्त कला में जो मूर्ति कला है वह बिल्कुल संयत है, नैतिक है, और उसमें नग्नता का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल नग्नता नहीं है। और इसके अलावा गुप्त काल तथा संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की सर्वोत्तम बौद्ध प्रतिमाएं सारनाथ में पाई गई है, यानी गुप्त काल की हो या संपूर्ण भारत प्राचीन भारत की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं वह जो है सारनाथ में ही प्राप्त होती है, सारनाथ में ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैसे बात करें कि मूर्ति कला में विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, और इसके अलावा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म की बात करें तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो पद्मासन और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है प्राप्त होती है, और बिहार के भागलपुर के निकट
जो बिहार का भागलपुर है वहाँ का निकट पास में जो सुल्तानगंज नामक स्थान है वहाँ पर बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति मिली है जो गुप्त काल की ही मानी जाती है। तो इस प्रकार ग्रंथ सारनाथ की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति भी गुप्त काल निर्माण कला का ही उदाहरण है। और इसके अलावा इस जो सुल्तानगंज की मूर्ति है भगवान बुद्ध की मूर्ति, इसका निर्माण कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हुआ था। और जो सुल्तानगंज की मूर्ति है यह अभय मुद्रा में है, जहाँ सारनाथ की मूर्ति जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है, जबकि ये सुल्तानगंज की मूर्ति ये अभय मुद्रा में है। और इसके अलावा बोधगया के मंदिरों के गर्भगृह में बुद्ध की विशाल मूर्ति प्राप्त होती है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, और निर्माण इसका जो है 5वीं शताब्दी में किया गया था ऐसा माना जाता है। और मथुरा के जमालपुर से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है, मथुरा का जो जमालपुर है वहाँ से भी बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त होती है। और मथुरा से प्राप्त बुद्ध की खड़ी हुई आदमकद मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई है वह सब संभंग मुद्रा में है, यानी बुद्ध की जो विभिन्न मुद्राएं हैं। तो ये आदमकद जो मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त होती है, आदमकद यानी कि आदमी के आकार की, तो आदमी के साइज की, तो ये आदमकद मूर्ति जो है संभंग मुद्रा में है। और यह एकमात्र जो कुषाण कला से प्रभावित है, यह बुद्ध की जो मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है यह कुषाण कला से प्रभावित है, यह एकमात्र मूर्ति है। इसके अलावा जैन धर्म, तो जैन धर्म से भी काफ़ी मूर्तियां का निर्माण किया गया, क्योंकि शासक जो है सहिष्णु थे तो इस काल में जैन मूर्ति कला का भी काफ़ी विकास हुआ। और इसमें जो है जैसे बेसनगर के दुर्जनपुर से तीर्थकरों की 3 प्रतिमाएं प्राप्त होती है, जो बेसनगर का दुर्जनपुर स्थान है वहाँ 3 तीर्थकर जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए उनकी प्रतिमाएं प्राप्त होती है। और इनका निर्माण जो है रामगुप्त के चौसा से ऋषभदेव की कांसे, मतलब रामगुप्त के शासनकाल के दौरान इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। और इसके साथ साथ चौसा से ऋषभदेव की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त होती है, और मथुरा से वर्धमान महावीर स्वामी की मूर्ति भी प्राप्त होती है जो जैन धर्म से संबंधित है और जिनका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म, सॉरी ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म विशेष रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित खूब सारी मूर्तियां बनी और ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। और सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण यानी कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में ही होता है। और कला में सबसे पहली बार हरिहर मूर्ति और नवग्रहों की मूर्तियाँ और गंगा यमुना की मूर्तियाँ व विविध आयुध पुरुष यानी जो भगवान के अनुचर थे उनकी मूर्तियाँ आदि, जैसे शिव के गण थे, तो जो है इनकी मूर्तियाँ बनना प्रथम बार जो है गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। और विदिशा जो स्थान है, तो विदिशा से हरिहर की, बेस नगर से गंगा की, उज्जैन से 10 मुखी शिव की मूर्ति जो तांडव मुद्रा में है, उज्जैन से प्राप्त होती है, जो 10 मुखी शिव है जो तांडव मुद्रा में है। और देवरिया से सूर्य प्रतिमा प्राप्त होती है, बेसनगर से सप्तमात्रिक की मूर्तियां प्राप्त होती है, एवं सिंध के मीरपुर खास से ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्तियां प्राप्त, जो कांस्य की मूर्ति है वो प्राप्त होती है। और इस काल की वैष्णव मूर्तियां चतुर्भुजी है, यानी इस काल में जो विष्णु वैष्णव से संबंधित जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो चतुर्भुजी है, यानी कि उनकी जो भुजाएं हैं वो 4 भुजाएं हैं। और देवगढ़ के अनंतशायी मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैया पर आराम करते हुए दर्शाया गया है, यानी जो देवगढ़ का अनंतशायी मूर्ति है उस मूर्ति में जो है विष्णु को उससे शेषनाग की शैया पर सोए हुए यानी आराम करते हुए दर्शाया गया है, ये मूर्ति प्राप्त होती है देवगढ़ से। और इसके अलावा काशी से प्राप्त कृष्ण मूर्ति जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं वह प्राप्त होती है काशी से। और विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियाँ 2 जगह से प्राप्त होती है, वह होती है एक उदयगिरी से, दूसरा जहाँ से विशाल वराह प्रतिमा, और दूसरी एरण से प्राप्त होती है। जो वराह अवतार, विष्णु का वराह अवतार है, उसकी मूर्तियाँ 2 जगह से प्राप्त होती है, एक तो उदयगिरी से और दूसरा जो है एरण से प्राप्त होती है। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियाँ भी, मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है गुप्त काल के समय की, जैसे पहाड़पुर जिला राजशाही बांग्लादेश से कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होती है बांग्लादेश से।
और ऐ छत्र से जो है आदम कद की गंगा यमुना एवं जटाजूट शिव पार्वती दोनों की मूर्तियां प्राप्त होती है। और जो जटाजूट शिव पार्वती की मूर्तियां हैं इन दोनों के जो है मस्तिष्क जो है वो मनोहर मस्तिष्क है। और इसके अलावा श्रावस्ती से यशोदा के साथ जो श्रावस्ती है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती से जो यशोदा और कृष्ण की यशोदा के साथ कृष्ण और बलराम की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। और इसके अलावा राजघाट से शिव एवं आदम कद गंगा एवं यमुना की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त होती है जो विशेष रूप से स्थापत्य कला में है। और अनेक ऐसी मूर्तियाँ मिली है यशोदा कृष्ण की, कृष्ण लीलाओं संबंधित हिंदू धर्म से, वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ। तो इस प्रकार ये थी गुप्तकालीन स्थापत्य कला जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है साहित्य और दर्शन से संबंधित, किसी का अगला टॉपिक जो है साहित्य और दर्शन से संबंधित उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।